तो आप ही जाओ, 15,000-20,000 लगता है। 4 फुट नीचे जो पाइप गई है, 4 फुट नीचे गई है, खुदाई करा के। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से है। अगर जनता के पैसों से ही होगा क्षेत्र का विकास, तो क्या जरूरत पार्षद प्रतिनिधि की। फजलगंज वार्ड 20 की पार्षद राधा पांडे ने क्षेत्र की जनता से नल लगवाने के नाम पर वसूले लाखों रुपए। सत्ता के नशे में चूर पार्षद जी भूल गयी कि वोट मांगने जाना पड़ेगा जनता के द्वार। वायरल वीडियो में पार्षद पति ने कर डाला अपने ही कार्यों का बखान। कहते हैं अगर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है तो भूल जाते हैं नेताजी अपनी मर्यादा। ऐसा ही कुछ मामला आया है फजलगंज वार्ड 20 से। नमस्कार, मैं हूं सीके सिंह और आप देख रहे हैं अखंड हिंद न्यूज, बात देश की बात देश हित की। बताया जा रहा है पार्षद राधा पांडे के द्वारा क्षेत्र की जनता से घर घर नल लगवाने के नाम पर प्रत्येक घर से 15,000 लिए गए। इस बात की पुष्टि कोई और नहीं स्वयं पार्षद पति हनुमान पांडे के द्वारा की गई। अगर जनता के पैसों से ही होना था क्षेत्र का विकास, तो क्यों पहुंचे पार्षद प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जनता के द्वार। जहां एक तरफ जनता अपने कीमती वोट देकर नेताजी से आशा करती है कि नेताजी हमारे क्षेत्र का विकास कराएंगे, मगर नेताजी तो अपनी ही जेब भरने में लग गए। क्षेत्र की जनता इतनी भोली है कि नेताजी के कहने पर क्षेत्र की जनता ने विकास के लिए लाखों रुपए दे डाले। पार्षद पति ने वायरल वीडियो में बताया कि मैंने किस तरह से क्षेत्र की जनता का पैसा उन्हीं के विकास कार्यों में लगाया। लेने में 15,000 दे देना, 4 इंच लाइन डाल के, ठीक है ना, पाइप लाइन फिटिंग करा के, सब मिस्त्री करा, तुमको दिया था कागज भी लिया उसका। अच्छा, हाँ, सभी नंबर मोबाइल। क्या विधायक जी को नहीं था पता कि वार्ड 20 की पार्षद राधा पांडे के द्वारा क्षेत्र की जनता से वसूले जा रहे हैं लाखों रुपए। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करते हैं, वहीं उनके कुछ जनप्रतिनिधि उन योजनाओं का जनता को लाभ न दिलाकर जनता के पैसों से ही करा डालते हैं क्षेत्र का विकास। लगता है पार्षद जी को आने वाले चुनाव में जनता के समक्ष वोट मांगने नहीं जाना। आखिर जनता कैसे करेगी पार्षद जी पर भरोसा। वायरल वीडियो में पार्षद पति ने जिस पानी के पाइपलाइन की बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने 4 फुट गहरी पाइपलाइन डलवाई है, परंतु अगर वीडियो की बात की जाए तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना तो 4 फुट गहरी पाइपलाइन है और घर घर में पेयजल पहुंचाने के लिए जो पाइप पार्षद जी के द्वारा इस्तेमाल किया गया वो ना ही इतना मजबूत है कि जिसके लिए पार्षद जी को क्षेत्र की जनता से लाखों रुपए लेने पड़े। देखें हमारी AHN की खास रिपोर्ट। लेने में 15,000 दे देना, 4 इंच लाइन डाल के, ठीक है ना। तो फिर मैंने जो देखा था, ऑटो डिपार्टमेंट है वो, ये है जलकल विभाग। हाँ। इनके पास पैसा नहीं है, इनको जो मिलता है हमारे नगर निगम के बजट से इनको दिया जाता है। तो नगर निगम का बजट तो जिंदा है, समझ लो। फजलगंज वार्ड 20 की पार्षद राधा पांडे के पति हनुमान पांडे का विकास के नाम पर क्षेत्र की जनता से पैसा मांगने का वीडियो हुआ वायरल। पार्षद पति हनुमान पांडे ने जलकल विभाग पर की अभद्र टिप्पणी। घर घर नल लगवाने के नाम पर क्षेत्र की जनता से वसूले लाखों रुपए। कानपुर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। लेने में 15,000 दे देना, लेने में 15,000 दे देना, लेने में 15,000 दे देना, 4 इंच लाइन डाल के, ठीक है ना, पाइप लाइन फिटिंग करा के, सब मिस्त्री सब कम्प्लीट करा, तुमको दिया था कागज भी उन्होंने उसका। अच्छा, हाँ, सभी नंबर मोबाइल। अच्छा अच्छा, तो ये हर उसमें चल रही वार्डो में, सभी वार्डो में चल रही पाइपलाइन वाली। नहीं यार, ये हमने अपना लगा तो इसलिए, आप ही जाओ, 15,000-20,000 लगता है। एक लाइन इधर डाली है 16 इंची लाइन, वहाँ से कालपी रोड से मिलाई इसमें ला के, और 1-8 इंची जा रही है इसमें मिलाई, तो उधर मिलाई बिहारी लाइन से, 3 लाइन है जुड़ी यहाँ पे बन गया है।
फाइल कागज की लड़के आ गई है। तुम लोगों ने उस समय जो है 5,000 रुपया दे दिया, चार फुट नीचे जो पाइप गई है, चार फुट नीचे गई है खुदाई करा के। कितनी लेबर लगी होगी? अच्छा, इसका पैसा तो पास हुआ नहीं था। भाई जो फाइलें बनी होती है प्राइवेट क्या डालते हैं भाई? देखिए हमारे यहाँ का सबसे मैंने जो देखा था, जाटो डिपार्टमेंट है वो ये है जलकर विभाग। हाँ। इनके पास पैसा नहीं है, इनको जो मिलता है हमारे नगर निगम के बजट से इनको दिया जाता है। तो नगर निगम का बजट तो जिंदा है, समझ लो।